जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं एवं चौराई तेंदुखेड़ा से जहां जहां भी माइक्रोफोन के जरिए आवाज पहुंच रही है, आप समस्त नगर बंधुओं को प्रेम सहित जय जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है, ईश्वर की असीम कृपा से साहू परिवार में, जो कि मुख्य आयोजक के रूप में श्री ओंकार साहू जी, श्री तालचंद साहू जी और इनके समस्त कुटुंबीजन ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से और ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की कृपा से आज से 20 जनवरी पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा का, 20 जनवरी हमने कहा, 20 जनवरी पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं से निवेदन, शीघ्रातिशीघ्र कथा स्थल पर पधारें और परम पावनी दिव्याति दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर और श्रीमद् भागवत पुराण जी की आरती करेंगे। कथा व्यास स्वरूप आपके बीच श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री प्रेम नारायण शास्त्री जी महाराज उपस्थित हैं। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर श्री भागवत भगवान की आरती करेंगे। एक बार प्रेम से बोलें, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज पहला दिन है, आप सभी से निवेदन ऐसा जयकार लगाएं कि आस पास जो भी विघ्न है सब कोसों कोसों दूर हो जाए। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बस एक मिनट का विलंब, तकनीकी कारणों से थोड़ा सा माइक काम नहीं कर रहा है, बस एक मिनट का विलंब। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जंभो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु श्री शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मां शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है नारती श्री भागवत नालियों की सेवा करते हुए पापियों को पाप से है नारती बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ठाकुर गौरव करुणावतार संसार सारम बुझ गए त्रिहारम सदा वसंत कल्याण तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवंदनम् आरोग्यादेशवात्माभिवंदनम् मंत्राक्षतमन्दपुष्पाञ्जलि पठेयुः। सर्वे जनाः हस्ते अक्षतान् पुष्पाणिं कृत्वा मंत्राक्षतमन्दपुष्पाञ्जलिः। ओम जिग्नेन जिग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यश्च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायैश्च विद्महे कृष्णप्रियायैश्च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। ओम हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो व्यासः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकाभकुलजं पदवाटलाब्जै पुण्याङ्गजादिकरवेरलसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तत्त्व ग्रहाण परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमनयुते सुमन सुगन्ध सुभाय
आप सभी लोग प्रथम दिवस के उस मंगलाचरण में हम आप सभी लोग प्रारंभ होए, क्योंकि आज प्रथम दिवस हो जाता है व्यवस्थाओं में, कार्यों में कुछ विलंब हो जाता है, लेकिन फिर भी जितना समय मिला है उस समय के अनुसार हम परब्रह्म परमात्मा की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार बोलिए सभी लोग, राधे राधे। भाई बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि कन्हैया की कथा है, राधे रानी की कथा है। स्मरण करो, और जैसे ही स्मरण होगा तो भगवान विराजमान होंगे। आज हम मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं हनुमान जी महाराज, जो कि राम कथा सुनबे को रसिया। भगवान की कथा जहां होती है ना, वहां परब्रह्म परमात्मा
अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज विराजमान होते हैं, तो हम आप आकर के सभी लोग विराजमान करते हैं, हनुमान जी को हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो, आपके लिए सुंदर आसन है, विराजमान होते हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, जासू
संकल्प अखिल कोट ब्रह्मांड नायक पारब्रह्म परमात्मा जगत नियंता जगदाधार भगवान की असीम अनुकंपा से दो मिनट रुको। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है क्योंकि हम आप नहीं कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, जिनको हम श्रवण पान करते हैं और ये मानव जन्म हमको जो मिला है ना, इसीलिए मिला है कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार ना संविधाय हितदो दयते विवेक। भगवान की कथा सुनने से हमारे मन में विवेक बुद्धि की उत्पत्ति होती है, इसलिए हम कथा सुनते हैं। और आज ये जो प्रयागराज का फल है ना, गंगा स्नान करने का, भागवत कथा सुनने का जो आज अवसर हम आपको मिल रहा है, ये किसके प्रभाव से मिल रहा है? उस ऊपर वाले ने थोड़ा सा इशारा किया और इशारा करने से आज हम सभी लोग एकत्रित हो गए और यह कार्यक्रम जो कि तन से मन से धन से और लगन से आप सब देख रहे हैं, ज्यादा विशेष व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। सम्माननीय सभी साहू परिवार के सभी लोग मुख्य यजमान में विराजमान, ओमकार साहू जी सपत्नीक विराजमान,
नाम ही जिनका, देखिए नाम का प्रभाव होता है, नाम प्रभाव जान शिवनी को शास्त्र कहते हैं, तो ये नाम का प्रभाव होता है। उनके बड़े पुत्र लालचंद भैया जी सपत्नी, उन्हीं के परिवार में और जो भी यजमान बने हैं सबको मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद प्रभु से यही निवेदन करता हूं। इसी प्रकार से इनका मन भगवान के चरणों में लगा रहे। एक बात और है, जब यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा था, जब चर्चाएं चल रही थी, हम लोगों का विचार था कि एक ही कथा चले, लेकिन इनके पिताजी का विचार एक और था, बोले दिन में कृष्ण कथा और राम को राम कथा, दोनों होनी चाहिए महाराज, कभी नहीं होनी चाहिए। ये विशेषता है, ये प्रभाव है, ये भगवान की कृपा का प्रभाव है। हम आप सबको एकत्रित करने का यह शुभ अवसर, जिसे भगवान प्रदान करते हैं वही कर पाते, नहीं तो विचार कीजिए हम जो है एक एक साल, एक एक महीना, दो दो महीना, दो दो साल विराजमान व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन सत्यनारायण भगवान की जय नहीं हो पाती घर घर है, तो होता है नहीं हो पाती। विचार करके अगली पूनों पे कर लेंगे, वो माघ वाली पूनों आ रही ना, पूनों पे कर लेंगे, लेकिन पूनों ही पूनों कितनी निकल गई पता ही नहीं चला। सत्यनारायण भगवान की कथा जय जय नहीं हो पाती, इसी का तो भाग्य है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर लभ सद ग्रंथ निकावा, और इसी का जो सदुपयोग हम कर रहे हैं यही तो पुण्य है, यही तो फल है। ऐसे इनके परिवार के रिश्तेदार नातेदार सभी को मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हमारे इस ग्राम चौरी ग्राम के सभी विप्र देवता जो मेरे मानदान सम्माननीय बड़े बुजुर्ग वृद्ध हैं, विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। और एक बात और है, आप शहर में कितने भी विद्वान ढूंढ लेना, शहर में बहुत कम विद्वान रहते हैं। गांव देहात में जो विद्वान लोग रहते हैं ना, उतने विद्वान नहीं रहते शहर में, वहां तो सुनने की टेम ही नहीं है। यहाँ तो हम सुनते रहते हैं, आज यहाँ हुई, कल तेंदुखेड़ा में हुई, और ना जाने फिर अगल बगल में होती रहती, तो सुनते रहते हैं। ऐसे सभी चौरी ग्राम के समस्त देवताओं के चरणों में नमन वंदन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर, सभी के चरणों में बार बार नमन वंदन। हमारे मंच पर विराजमान समस्त विप्र देवता, संगीत में हमारे बड़े सुंदर ढंग से भैया ठाकुर साहब, भैया यादव जी, भैया राहुल भैया, और साथ में हमारे भैया तेंदुपड़ा से पधारे हैं। हमारी इस टूटी फूटी आवाज को मोबाइल के द्वारा, ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है साहब, मोबाइल के द्वारा दिखाती हो भैया साधना दीप, साधना दीप चैनल के माध्यम से, इनको बहुत बहुत साधुवाद। और यही निवेदन है भैया, ऐसे ही स्वागत जो है सेवा देते रहे, और जैसी मेरी आवाज है उस आवाज को सही करके बनाते हुए भैया साउंड वाले बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम, और सभी लोग तन से मन से धन से लगे हुए हैं। अब आगे की कथा हम प्रारंभ करने के पहले हम अपनी वाणी को दो मिनट के लिए विश्राम देते हैं, कि ये लाइट शायद आ गई है, इसलिए अब जो है भैया बदल लो।
हेलो हेलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार बोलिए राधे राधे। आए हुए हमारे सभी श्रद्धालु श्रोता भक्तगण, आप सभी लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, कुछ तेंदुखेड़ा से हैं, कुछ अगल बगल में ग्राम हैं, सभी लोग आप सभी का इस मंच के माध्यम से साधुवाद बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान ठाकुर जी सबको प्रसन्न रखे। ये भगवान की कथा कैसी कथा है? भगवान की कथा ऐसी है, सर्वप्रथम हम प्रवेश करते हैं भागवत जी का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सबसे पहला श्लोक, भगवान का स्वरूप कैसा है और भगवान किस स्वरूप में विराजमान है, विचार कीजिए। भगवान का स्वरूप है सत घन, चित घन, आनंद घन। तीन प्रकार का है, सत, चित और आनंद। और जब सत और चित और आनंद जब तीनों में भगवान का स्वरूप विराजमान है तो उसी स्वरूप को हम धारण कर सकते हैं। और वो धारण कैसे हो सकता है? बोले जब हमारा मन निर्मल होता है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सुमोहि पावा। 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 हमारा कोई भी कार्य करो, आप सत्संग करो, कथा सुनो, भगवान का जप करो, भगवान का स्मरण करो, आप सुबह प्रातः काल अगरबत्ती लगाते हैं, स्नान करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं शिवजी के ऊपर, पूजन करते हैं, लेकिन मन में निर्मलता नहीं है तो भगवान को स्वीकार नहीं। निर्मलम ही मनः कृष्णः। और जैसे ही निर्मल मन हो जाएगा तो कृष्ण का स्वरूप हो जाता है फिर वो मन। और जैसे ही निर्मल होगा तो फिर सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य में परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप वर्णन है। चित, चित मतलब हमारे इस चित्त को जो प्रकाश देता है, जिस प्रकार से आज हमको देखने के लिए इस प्रकाश की जरूरत है, इस लाइट की जरूरत है, इसी प्रकार से हमारे दिमाग को चलाने के लिए परब्रह्म परमात्मा प्रकाशित करता है। वो चित्त को प्रकाशित करता है, चित्त में ज्ञान देता है। वही हमारे स्वरूप में भगवान परब्रह्म परमात्मा चित्त है। आनंद क्या है? अब आनंद ये नहीं है आपने खूब आज रसगुल्ला खाया और रसगुल्ला खाई, मिठाई खाई, रबड़ी खाई और न जाने क्या क्या खाया, बहुत आनंद आया। आपको किसी ने जो है बड़े सुंदर डल्लभ के गद्दे पर सुला दिया। हमारे जजमान ने भी जो है कल्याण लगा दी थी, बोले महाराज सो जाओ, कौन सी ये व्यवस्था है। तो वो आनंद नहीं है, कहने का मतलब डल्लभ पे सोने का जो आपको सुख मिला वो आनंद नहीं है।
वो सुख हो सकता है। अच्छा आपने खाया, खीर खाई, रसगुल्ला खाए, रबड़ी खाई, मालपुआ खाए, वो सुख दे सकते हैं, आनंद नहीं दे सकते। आनंद कैसे प्राप्त होगा? और आनंद क्या है? बोले आनंद जब होता है जब हमारे शरीर की शुद्ध ना रहे, उसको हम आनंद कहते हैं। आनंद वो है और उसी को हम पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप कहते हैं। ये भागवत जी की कथा कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख रासी सी करते त्रैलोक सुपासी, ओ सो सुख धाम राम यस नाम। वो क्या है? जो आनंद है ना वो साक्षात राम है, वही कृष्ण है, अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है, राम जी ने कहा है जो मैंने किया है वो तुम हजार बार करो, कृष्ण ने कहा है बोले जितनी बार मैंने जो किया है वो तुम कर नहीं सकते, उसका श्रवण कर सकते हो, उसका मनन कर सकते हो, अंतर सिर्फ इतना है। कृष्ण ने जो किया है वो नहीं कर सकते। कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया, पूतना को मारा है, हम क्या एक आध भूत प्रेत को मार सकते हैं? नहीं मार सकते। कुछ लोग कहते हैं ना भगवान ने 16108 विवाह किए, 16108 उन्होंने विवाह किए तो एक दो हम भी कर सकते हैं। तो भगवान ने जो जो किया वो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यही विशेषता है कि राम कृष्ण दो एक है और अंतर नहीं निमेश, उनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। यही विशेषता है, एक अपने नेत्रों से कमाल करता है। नेत्रों से कौन कमाल करता है? बोले कृष्ण कर्षयति जीवानां चित्तमिति कृष्णः। अपने नेत्रों से जो भक्त के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करे वही तो कृष्ण है। आप बड़ी गौर से वृंदावन जाइए, कहीं भी जाइए, कन्हैया की मूर्ति को एक टुक देखना, और आप जब गौर लगा करके देखेंगे इस संसार की चिंता का जब भ्रमण आप बंद कर देंगे और एक टुक से आप देखेंगे ना, आपका मन ऐसा कहेगा कि हम यहां से बाहर जाएंगे। ये विशेषता है कृष्ण की, जीव के चित्त को अपने चरणों में लगाने की विशेषता। यही तो जादू है, यही तो आनंद है। इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा सतघन चितघन आनंद घन तीन स्वरूप में भगवान विराजमान है, और यही सब प्राप्त कराने के लिए श्री कृष्णाय वयम नमः। दूसरे श्लोक में चलते हैं। दूसरा बड़ा सुंदर श्लोक है कि यम प्राप्रजन्त मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह काजुह। पुत्रे मतपयतया तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। दूसरा श्लोक यम प्रजंत, जो जन्म लेकर के भी अपने ग्रह को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को और अपने घर को त्याग दे, वो कौन है? यम प्रजंत हो गया, जो जन्म लेकर के ही चलने के लिए तैयार हो गया, वो साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और जन्म लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास जी को छोड़ करके वन में चले गए। अब यहां पर प्रारंभ होती है, यहां पर प्रश्न और उत्तर की लीला। ब्रह्मा जी के पास एक नहीं दो नहीं, सीधे सीधे 88,000 ऋषि, जिनको हम सौनक ऋषि कहते हैं, वो सब सौने दौड़े गए, निवेदन करने लगे, महाराज हम आपकी शरण में हैं,
ब्रह्मा जी ने कहा क्या कोई राक्षस फिर से उत्पन्न हो गया क्या? सोनकादि ऋषियों ने कहा बोले महाराज राक्षस नहीं, फिर क्या है? अरे बोले महाराज हम सत्संग करना चाहते हैं, हम कुछ भगवान की ज्ञान की चर्चाएं करना चाहते हैं, हम जहां पर भी बैठते हैं वहां मन नहीं लगता है, इसलिए आप कोई सुंदर स्थान बतलाइए ना। ब्रह्मा जी ने कहा बोले स्थान बताने की जरूरत क्या है, जहां चार लोग बैठ जाओ वहीं पर, जहां चार लोग बैठ जाओ वहीं पर हरी चर्चा शुरू हो जाएगी। आप तो संत हो और संतों को संसार की चिंता की जरूरत ही नहीं है, आप तो सत्संग करो, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं लगन वाले, ऐसे लगन वाले बोले जिस दिन इनके मन में आ जाए कि आज जो है ताश खेलना है तो दिन दिन भर पता ही नहीं चलता, सुबह से बैठे ताश खेल रहे हैं, शाम तक पता ही नहीं कि शाम कब हो गई और ताश खेल के उठने वाले नहीं, ऐसी लगन है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं बोले तुम्हारी भी अगर सत्संग में लगन है तो तुम बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, बैठ करके भगवान का भजन करो, भगवान की लीला का श्रवण पान कराओ। संतों ने कहा बोले महाराज ऐसा नहीं, कोई स्थान बतलाइए, पवित्र स्थान बतलाइए जहां पर हम जाकर के विराजमान हो सके, क्योंकि अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभो सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसा। महाराज हम विचार में ऐसे हैं, ऐसा स्थान बतलाइए जो पवित्र हो, स्थलों में पवित्र स्थान हो, और उस स्थान पर जाकर के हम हरि की चर्चा करें, हरि की कथा का श्रवण पान करें। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, सब लोगों की इच्छा से मैं मानसिक चक्र उत्पन्न करता हूं। एक बार बोलिए राधे राधे, क्योंकि राधे राधे इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक चीज और है, ये निद्रा देवी है ना जो वो बहुत जल्दी आ जाती है कथा में, जजमानों के ऊपर तो नहीं आने देंगे, सामने बैठे भाई ऐसे कुछ लुके छुपे बैठे हो या फिर कोई माताएं बहने बैठी हुई घूंघट डाल के, अब नहीं देखे तो वो एक अलग बात है, इसलिए लेकिन फिर भी सतर्क कर देते हैं राधे राधे। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र उत्पन्न किया और मनोमय चक्र बना करके कहा बोले हे ऋषियों आप लोग इस मनोमय चक्र का ध्यान करिए, जहां पर ये मनोमय चक्र गिर जाएगा उस स्थान पर जाकर के आप सत्संग कीजिए। वह चक्र घूमता घूमता ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुआ और घूमता घूमता जाते जाते श्री नैमिषारण्य में जाकर के और वह चक्र विराजमान हो जाता है। बोले नैमिषारण्य तीर्थ की जय। उसी नैमिषारण्य में जाकर के जो एक सुंदर सरोवर है ना, उस सरोवर में जाकर के वह मनोमय चक्र जाकर के विराजमान हुआ। आज तो जो है आज क्या प्रथम दिवस है ना, तो आज महत्व की चर्चा ही रहेगी, कथा तो कल से प्रारंभ होगी, भागवत जी की जो कथा है ना वो कल से, क्योंकि इसकी विशेषता है जिस व्यक्ति का महत्व हम नहीं जान सकते, जिस व्यक्ति के महत्व को हमको पता नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं होता है। कैसे बोले कोई से डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना, डॉक्टर के पास आप जाएंगे शुरू शुरू बार में तो पहली बार में लगेगा पता नहीं आराम लगा ही रहो क्यों सही चीज सही दे रहे फ्री में, ये विश्वास तब तक नहीं होगा ना, इसलिए भगवान ने कहा पहले विश्वास दिलाने के लिए कथा सुनाओ। एक दिन की कथा, पहले दिन की जो कथा होती है ना वो विश्वास दिलाने की होती है कि इस भागवत में कितना जो है कितने प्रकार की शक्ति रखी हुई है। अच्छा कथा समझ में किस किस को आ रही है, सबको आ रही है, आ रही है नहीं, मूड तो भटकाई है कि नींद आ रही है, बोलिए राधे राधे। अब भैया इधर से कुछ नए नए लोग जो है अभी हैं, इधर तो कुछ पुराने हैं हमारे तेंदुखेड़ा के, वो आते जा रहे हैं सुनते जा रहे हैं तो उनको तो पता है कि हाँ समझ में आ रही है अब, लेकिन आप लोगों को ज्यादा नहीं पहचान जाता इसलिए राधे राधे। भगवान की कथा समझ में सबको आएगी ऐसा नहीं है, मनोमय चक्र जाकर के जहां पर गिरा उसी स्थान पर 88,000 ऋषि विराजमान हो गए। आज जिस प्रकार से हम आप सभी लोग इस चौरी ग्राम में विराजमान है ना, बहुत बड़ा स्थान है,
इसी प्रकार से नैमिषारण्य में बहुत बड़ा विशाल वटवृक्ष है, उस वटवृक्ष के नीचे 88,000 शनकादि सौनकादि ऋषि विराजमान है। अब जब ऋषि बैठे हुए हैं तो आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्या बोले, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में एक और विशेषता है, संसार में जो आया है ना, हम हैं आप हैं, संस्कृति की संसार रहा, संसार में आया है जो व्यक्ति, उसको जो है कष्टों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं, भगवान राम भगवान कृष्ण ये सब आए हैं, इन्होंने सब देखा है, सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख और दुख ये दोनों साथ में चलते हैं। आज आपको सुख मिलेगा तो कल दुख की तैयारी कीजिए, कल आपके सामने दुख भी होगा, उससे भी लड़ना सीखिए, यही कथा कहती है, आपके सामने सुख आएगा तो दुख जरूर आएगा, और दुख आएगा तो सुख की आशा भी कीजिए कि सुख मिलने वाला है, लेकिन कुछ प्रारब्ध का फल होता है, कुछ कर्म का फल भी होता है, कुछ हमारे प्रारब्ध रहते हैं। आ गई, ठीक है, एक बार बोलिए राधे राधे, फिर ना चली जाए। मुनि वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में जो आया है उसको सुख और दुख की सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विचार कीजिए इस संसार में जो आया है कोई धन से परेशान है, कोई कहता है महाराज हम बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन धन की पर्याप्त मात्रा नहीं हो पाती, धन कैसे प्राप्त हो, कोई अपने तन से सुखी है, महाराज इस शरीर में एक ना एक रोग जो है लगा ही रहता है, इस शरीर की शरीर के जो है सुख कैसे हम प्राप्त कर सके। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, किसी का तो मन बसवा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं महाराज हम कथा सुनने जाते तो कथा मन ही नहीं लगता, हमने कहा पकड़ के रखा करो, बोले कैसे, ये मन जो है बड़ा बड़ा चालाक है, मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोय, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। ये विशेषता है, मन लगता नहीं है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये विशेषता है, लेकिन प्रयास कीजिए। एक प्रसंग आता है रामायण की कथा, आप सभी लोग रामायण पढ़ते भी होंगे, कि राम कथा
सुंदर कर तारी संशय बिहग उड़ावना। संशय रूपी ही तो मन है। मन को विश्वास दिलाना अच्छी बात है, लेकिन उसको दिलाओ तब। अच्छा, ये मन जब बस में नहीं तो मन के लिए फिर बस में कैसे करें? बोले फिर इसके लिए राम कथा क्या है? बोले राम कथा कली बिटप कुठारी। कुल्हाड़ी का काम भी करती है कृष्ण राम की कथा। जो हमारा मन ज्यादा ही भटकता है ना, ज्यादा यत्र तत्र भागता है, उसको पकड़ करके राम रूपी कुल्हाड़ी से खत्म कर दो, अपने आप बस में रहे, मन भागने वाला नहीं। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास। और एक बात और है, किसी के पास भगवान ने खूब पर्याप्त बहुत सारा धन दे दिया, कहीं ना कहीं से भगवान ने उसकी योग माया ऐसी चलाई, खूब धन दे दिया, अब धन भी दे दिया। मैंने देखा है, मैंने सुना है ऐसे लोग, जिसके पास धन है, शाम के समय उसके पास भोजन करने बगल में बैठो, बगल में बैठो तो महाराज वो क्या करते हैं? बोले वो दाल होती है ना, मूंग की दाल का पानी, तो वो भी सूखी रोटी, उनसे पूछो कि सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? आप तो बहुत बड़े आदमी हो, बहुत धनवान हो, आपके तो जो है कई करोड़ों रुपए रखे हैं। कहता है महाराज, हम जो है, आप कह रहे ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है, ठीक है, हम खा सकते हैं, लेकिन अगर मैंने एक रोटी घी चुपड़ करके खा ली तो डायबिटीज पेशेंट डॉक्टर ने मना करके रखा है। अब उस धन का क्या करें, विचार कीजिए। जिसके पास धन रखा है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, वो अपने शरीर में नहीं खा पा रहा है, विचार कीजिए ऐसे धन का क्या करें। और एक गरीब व्यक्ति है जो दिन भर मजदूरी करने के लिए जाता है, दिन भर में 500 रुपए मिलते हैं उसको, और 500 रुपए मिलने के पश्चात संध्या काल वो घर में 500 रुपए लेकर के आता है, उसमें पत्नी को भी वस्त्र ला करके देना है, पत्नी को भी भोजन की व्यवस्था करना है, बच्चों की भी व्यवस्था करना है, घर में आटा दाल चावल की व्यवस्था करना है। अब उस 500 रुपए में क्या वो कर सकता है? तीसरी बात, एक खेत में काम करने वाला व्यक्ति है, रात्रि भर पानी चलाता है खेत में, रात्रि रात्रि जो है पानी चलाता है, और पानी चलाने के पश्चात अगर उसको रात्रि दोपहर 2 बजे नींद आ जाए ना, तो वही जो मिट्टी का ढेला है ना, उसी मिट्टी की ढेला की तकिया लगा करके सो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। और ये व्यक्ति ऐसा है जो डल्लब के दो दो गद्दे भी लगा ले फिर उसको नींद नहीं आए, विचार करो क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो भगवान की शरणागति में नहीं है, भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, भगवान के प्रति जड़ता नहीं है, भगवान के प्रति निर्मलता नहीं है, इसीलिए है। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के। संसार में जो आया है उसको दुख का सामना करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यही है, हमारे सामने जो रास्ता आता है उस रास्ते को हम चुने, उससे चलना हमारे ऊपर है, आगे ऐसी कुछ समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं को निकालते हुए और आगे बढ़ते जाएं, यही संसार है। आज संसार में हम देखें कि जो है सुख मिल जाए, तो संसार में सुख नहीं है साहब, ये दुकान का प्रभाव है। आप समोसे की दुकान में जाएंगे तो समोसे ही मिलेगा, रसगुल्ले की दुकान में जाएंगे तो रसगुल्ले ही मिलेगा, कपड़े की दुकान में जाएंगे तो कपड़े ही मिलेगा, कपड़े की दुकान में आप जाकर के कहो कि रसगुल्ला दे दो तो रसगुल्ला मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, क्योंकि जिसकी जो दुकान है उसी स्थान पर उस चीज की जो है प्राप्ति होगी। इस संसार में, संसार क्या है? बोले संसार ये दुखालय है, यहां सुख अगर हम ढूंढें तो सुख मिलने वाला नहीं है, दुखालय मसास, ये दुख की दुकान है, यहां पर सुख मिलने वाला नहीं है। एक बार ये देवता लोग भी, हम आप तो जो है संसार के दुख से दुखी हैं, लेकिन ये देवता लोग भी एक बार दुखी हो गए। कैसे? ये तस्मात् परम किंचिन मनः सुध्यै न विद्यते
जन्मांतरे भवेत् पुण्यम् तदा भागवतम् वदे। एक नहीं अनेकों जन्मों के जो पुण्य है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम्, एक नहीं अनेक जन्म के जो पुण्य है, जब वह उदय होते हैं तब भगवान की कथा, भगवान की चर्चा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ये देवता लोग भी बड़े विस्मय में पड़ गए। एक दिन बड़े दुख के स्वरूप जाकर के विचार करने लगे, इस संसार में जो कथा हो रही है, ये कथा क्या हम प्राप्त नहीं कर सकते, हम नहीं सुन सकते क्या? हम तो देवता हैं, ये खाली मनुष्य बस सुन सकते हैं क्या? विचार करने लगे देवता। और इधर जो है प्रसंग चल रहा था, थोड़ा सा उसका भी ध्यान। सोनकादि ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान है, और विराजमान होकर के जैसे ही एक दूसरे की चर्चा कर रहे थे कि उसी समय पर, उसी शुभ अवसर पर एक सुंदर छोटा सा बालक ब्रह्मचारी जी महाराज उपस्थित होते हैं। अब एक नहीं, दो नहीं, बड़े बड़े ऋषि, 88,000 ऋषि विराजमान है। अब विचार करो, 88,000 ऋषि जब विराजमान है तो कितनी बड़ी जगह लगी हुई होगी, बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ा विशाल स्थान है। उस विशाल स्थान में 88,000 ऋषि विराजमान है, 88,000 ऋषि विराजमान है, उन्हीं के बीच में एक छोटे से बालक के समान। और श्री सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है। बोलिए सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज उपस्थित हुए और उनको देख करके सूत जी महाराज जो है छोटी सी अवस्था है, छोटी सी अवस्था है और ब्रह्मचारी बालक, लेकिन जो वहां 88,000 ऋषि हैं उसमें छोटे मोटे ऋषि नहीं है, बहुत बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं। सूत जी के बाबा, पर बाबा इत्यादि बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, इनके पिताजी के भी पिताजी बैठे हुए हैं, लेकिन सूत जी को आया हुआ देख करके प्रणाम कर रहे हैं। महाराज प्रणाम। सूत जी ने कहा, बोले महाराज आप हमारा प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने का मतलब क्या है? हम तो आपके बच्चे हैं, आपके बेटा है, प्रणाम करने की जरूरत क्या है? आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन सभी ऋषियों के बीच में से एक ऋषि उठ करके खड़े हुए और बोले क्या? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कहने लगे महाराज धन्य है, आपका कहना अच्छा है, ठीक है, आपने जो कहा कि हम बड़े हैं, हम बड़े ठीक हैं, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। तीन प्रकार के वृद्ध बतलाए गए हैं। बड़े मतलब तीन प्रकार के माने जाते हैं, एक धन से बड़े, दूसरे आयु से बड़े। तीन प्रकार के बड़े बतलाए गए हैं और तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है? वृद्धस्य ज्ञान वृद्धस्य वृद्धना शिष्य किंकरा। सबसे बड़ा वृद्ध, सबसे बड़ा व्यक्ति वो है जो जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए सुखदेव जी महाराज आप हम सबसे बड़े हो, आपके अंदर तो कई पुराणों का ज्ञान भरा हुआ है, इसलिए आपका हम स्वागत करते हैं। श्री सूत जी महाराज को सोनकादि ऋषियों ने विराजमान किया, विराजमान करके बैठाना और बैठान करके कहा, बोले महाराज अब हमारा एक प्रश्न है। सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, क्या? बोले महाराज चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज हमारा एक ही प्रश्न है, क्या? बोले कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। एक ही प्रश्न है, क्या? हमको सिर्फ कृष्ण की प्राप्ति कराओ। वो कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? आज यहां पर यही जो प्रश्न किया है, उसी प्रश्न को लेकर के श्री सूत जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर प्रसंग बतलाया है। क्या? बोले जिस प्रकार से संसार में व्यक्ति आया है, थोड़ा थोड़ा सब दुखी है ना, इसी प्रकार से देवता भी दुखी है। क्यों?
मनुष्यों के लिए जो कथा इस पृथ्वी पर सुलभ है ना, स्वर्ग में यह कथा सुलभ नहीं है। स्वर्ग में कथा प्राप्त नहीं हो सकती, वहां स्वर्ग में सुख की प्राप्ति हो सकती है लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आनंद की प्राप्ति यहीं बस हो सकती है। और वो आनंद क्या है? बोले कथा का आनंद। आप बैकुंठ में चले जाइए, भले साक्षात भगवान विष्णु मिलेंगे, स्वर्ग में इंद्र देवता मिलेंगे, लेकिन कथा मिलने वाली नहीं। ये कथा सिर्फ यहीं मिलती है। तो वो कथा कैसे मिलती है और सत्संग कहां से मिलता है? बोले इसी स्थान पर मिलता है, संसार में मिलने वाला। वो कैसा सत्संग है कि मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं मुश्किल से आते हैं। बोले वृंदावन बिहारी राम।
हम विनमय जाते सुधारा ज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवता लोग भी भगवान की कथा नहीं सुन सकते, ये हमको कथा जो सुलभ हुई है ये हम ही सुन सकते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं है। देवता लोग विचार करने लगे, चलो ये कथा सुनकर के आते पृथ्वी पर चलते हैं। इधर राजा परीक्षित को सातवें दिन मरने का श्राप लगा हुआ था, राजन तुम्हारी सातवें दिन तक्षक सर्प आकर के और तुम्हारी मृत्यु कर देगा, तक्षका सप्तमी हनी। आज वही तक्षक सर्प डसने के लिए श्राप लगा हुआ था, तो राजा परीक्षित ने अपने राज्यपाट को त्याग दिया और जाकर के कहा सुंदर गंगा जी के किनारे जाकर के विराजमान होकर के और कथा का श्रवण पान कर ले। उसी समय पर ये सारे देवता लोग भी बड़े चालाक हैं। विचार कीजिए, आपने देखा होगा टीवियों में देखा होगा कैसे चालाक है। बोले जब जरूरत पड़ती है ना, कोई राक्षस आ जाता है तो फिर देवता जाएंगे, हे भगवान रक्षा कर, उस राक्षस ने हमारी जो है गद्दी छुड़ा ली। ये गद्दी की चिंता सभी को होती है, खाली देवताओं को नहीं, गद्दी की चिंता सभी को होती है। हमारी गद्दी ना छिन जाए, हमारी कुर्सी ना छिन जाए, ये बड़ी चिंताजनक बात। देवता लोग विचार करने लगे, चलो चल करके ये कथा सुन के आते हैं, लेकिन कथा हमको ऐसे सुनने थोड़ी मिलेगी, हमको कुछ ले चलना चाहिए। एक सुंदर ऐसा जल जो रखा हुआ था, कहां था, बोले अमृत रूपी जल जो रखा हुआ था समुद्र मंथन वाला। देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था कि नहीं, कि हम ही आपने करना होता। बोलिए राधे राधे, भाई समझ में भी तो आना चाहिए। समुद्र मंथन हुआ घनघोर, हलाहल जहर निकला और जहर निकलने के पश्चात फिर अमृत निकला। अमृत निकला और उस अमृत के कलश को ले जाकर के देवता लोग कहां जाते हैं, बोले श्री सुखदेव जी महाराज के पास। और सुखदेव जी महाराज के पास गंगा जी के किनारे गए। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते पहुंची महाराज राज्यो क्षम तथा वीक्ष पुरा धाती विस्मता। जाकर के कलश लेकर के कहा महाराज ये कलश जो है हमसे ले लीजिए आप। राजा परीक्षित को सातवें दिन मरने का श्राप है ना, जो राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, एक बूंद आप इस कलश में से जल निकाल करके पिला दीजिए, अमृत रूपी ये जल है। आप इसीलिए कथा सुना रहे हैं ना, सातवें दिन मरने का श्राप है राजा परीक्षित को, इसीलिए श्राप लगा हुआ है, इसीलिए तो आप कथा सुना रहे हैं कि राजा परीक्षित की मृत्यु ना हो। इसलिए महाराज हमें अमृत कलश लेकर के आए हैं, इस अमृत कलश में से ले जाकर के आप पिला दीजिए और ये कथा जो आप सुना रहे हैं ये कथा हमको सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा क्या आप बिक्री करने के लिए आए हो, ये कथा बिकाऊ नहीं है, अगर बेचने वाली बात करो तो ये कथा बिकाऊ नहीं है। लेकिन साहब आजकल तो बिकाऊ हो गई ये कथा, और भाई बिक्री करने वाले और कोई नहीं आप लोग हैं, आप लोगों ने उसका जो है मूल्य निकाल दिया। दुकानदार तो हम हैं, ये हम मानते हैं दुकानदार हम हैं, दुकान हमने खोल रखी है भागवत की। एक मिनट के लिए थोड़ा सा प्रसंग, अब दुकान हमने खोल रखी है, हमको चाहिए 5 लाख रुपया। अब जब 5 लाख रुपया वाले जब ग्राहक नहीं मिलेंगे तो दुकानदार क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल तक बैठेगा, 30वीं साल से कहेगा बोले अब कम कर दो या फिर दुकान ही बंद कर दो। ये भागवत बिकाऊ नहीं है, जो हम विचार करते हैं ना, बड़े से बड़े पंडित जी को बुलाना है, बड़े से बड़े पंडित जी की रुपया भी तो पूछ लो एक बार, बोलिए राधे राधे। तो विचार कीजिए, कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो वो शुरू हम आप करते हैं, इसलिए शुरुआत भी हम करेंगे और उसको बनाते भी हम हैं, इसलिए बनाने का प्रयास करें बिगाड़ने का नहीं। सुखदेव जी ने कहा बोले हमारी कथा बिकाऊ नहीं है, हाँ अगर तुम श्रद्धालु भक्त कथा श्रोता के
बनकर के आते कि हम श्रोता हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं, देवताओं तो हम कथा सुना रहे हैं, लेकिन आप तो मूल करने के लिए आए हो कि आप मेरा अमृत ले लीजिए और ये कथा हमको सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल नहीं। राजा परीक्षित बगल में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी ने कहा परीक्षित ये तुम्हारे सामने एक तरफ जो है अमृत रूपी कलश रखा हुआ है और दूसरी तरफ ये भागवत रूपी पुराण रखा हुआ है, इन दोनों में से आपको क्या चाहिए बताओ। राजा परीक्षित समझदार थे, जानने वाले थे। क्वा सुधा क्वा मणिर लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान ब्रह्मरा तो विचार तदा दीवान जहां सहा। क्या है बोले जो अमृत है ना, अमृत की संज्ञा किस प्रकार से दी है बोले टूटा हुआ कांच। अमृत की उपाधि राजा परीक्षित ने टूटे हुए कांच के बराबर बनाई और जो भागवत रूपी कथा है उसको एक दिव्य चमकती हुई मणि मणि की संज्ञा दी और दोनों संज्ञा देने के पश्चात राजा परीक्षित से राजा परीक्षित ने कहा बोले महाराज मुझे ये टूटा हुआ कांच नहीं चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो समझदार व्यक्ति होगा, जो ज्ञानवान होगा, जो गुणवान होगा, वो कांच कभी उठा नहीं सकता है, मणि को ही उठाएगा। इसलिए भागवत रूपी मणि मुझे प्रदान कीजिए, कांच नहीं चाहिए। हंस करके देवताओं ने खिल्ली करके और उड़ा दिया, भगा दिया देवताओं को। अब देवताओं को बड़ा क्रोध आया। देवता ने सोचा हमारी इस अमृत रूपी कलश को छोटा बना दिया, भागवत इतनी बड़ी है क्या, ये भागवत रूपी ग्रंथ इतना बड़ा है क्या, हम इसके बारे में जान करके ही जाएंगे। तुरंत देवता लोग रोते गिड़गिड़ाते पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे महाराज हम आए हैं आकर के देवताओं के बीच में से, बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, कथा श्रवण पान कराई जा रही है और बड़े बड़े ऋषियों के बीच में सुखदेव जी महाराज ने हमारे इस अमृत रूपी कलश को छोटा समझ लिया, अपनी भागवत को बड़ा बताते हैं, इसलिए हम परीक्षण करना चाहते हैं भागवत बड़ी है हमारा अमृत बड़ा है, ये आप जानकारी करके बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तुरंत ब्रह्मा जी ने तराजू उठाया, सत्य लोके तुलाम मध्वाम तोलयत साधनन्यदा। तुरंत ब्रह्मा जी ने तराजू उठाया, तखरिया तखरिया को उठाया और तखरिया को उठा करके तुरंत तराजू में एक पल्ले में संसार के जितने भी सदग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों को रखा और एक पल्ले में श्री भागवत जी रूपी महापुराण को रखा और जैसे ही तौल करके देखा तो तौल करके जैसे ही देखने लगते हैं विचार करने लगे सारे संसार के जो साधन थे वो सब छोटे पड़ गए और जब पल्ला जो उठा करके देखा था भागवत रूपी पल्ला था। बोलिए वाकई बिहारी लाल की जय। ये पल्ला भागवत जी का क्यों बड़ा रहा, संसार के साधन छोटे क्यों पड़ गए, इसलिए पड़ गए भगवान जिस समय पर स्वधाम गमन कर रहे थे, इस संसार को छोड़ रहे थे परब्रह्म परमात्मा, उसी समय पर उद्धव जी महाराज से कहकर के गए थे उद्धव मैं शरीर से जरूर जा रहा हूँ लेकिन मेरा एक स्वयं साक्षात जो विग्रह है वो भागवत ही मेरा विग्रह है, मैं साक्षात भागवत जी में ही विराजमान करता, आज वही भागवत हम आप सभी लोग पान कर रहे हैं। इस सौभाग्य नहीं तो क्या है, विचार कीजिए, एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों के जो पुण्य है ये पुण्य हमारे आज उदय हो रहे हैं, यही उसका प्रभाव है। आज ऐसे बड़े सुंदर ढंग से श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी की बड़ी सुंदर ढंग से महिमा गा रहे थे और गाते गाते विनमय होकर के बड़े सुंदर ढंग से बतला रहे थे कि उसी समय पर विचार करने लगे राजन ये संसार जो है जो आया है उसको आना जाना लगा हुआ है, इस संसार में जो भी आया है उसको आना है जाना है, इस संसार की घड़ी है, ये घड़ी रूपी ही संसार है, जिस प्रकार से हम हाथ में घड़ी पहनते हैं घड़ी का जो कांटा होता है वो चलता रहता है, अगर एक जगह रुक जाए तो काम फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसी प्रकार से संसार में जो व्यक्ति आया है उसको आना जाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे संयम, इस संसार में जो आया है, लेकिन एक चीज है जिसको आने जाने के चक्कर से दूर होना है
वो श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। वो संसार संसार सागर से दूर होना चाहता है, आने जाने के चक्कर से दूर होना चाहता है, परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करना चाहता है, तो श्री कृष्ण की चरण का ध्यान स्मरण करे और कुछ नहीं। अच्छा महाराज, ऐसा कोई प्रसंग है आपके पास जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की चरणों का ध्यान करते हुए अपनी भक्ति को और विराजमान कर दिया? बोले हैं, एक प्रसंग सुनाते हैं बड़ा सुंदर। एक दिन की बात है, नारद जी महाराज, ये नारद जी जो है, नारद किसको कहते हैं? बोले नारद, पहला अर्थ तो यही हो गया, जिसकी बात कोई संसार में रद्द ना कर सके उसको नारद कहते हैं। और आजकल के नारद तो साफ जो है होते ही होंगे, लेकिन चौराई में नहीं है शायद। अगर चौराई में होते, क्योंकि ये विशेषता है, मैंने देखा, देखो मैं आपके यहाँ पर आया हूँ, आता तो रहता हूँ जब चाहे जब जैसे, लेकिन रुकने का अवसर इस बार पहली बार मुझे मिला। मैंने ये देखा है आप सभी विप्र देवता विराजमान हैं, इन विप्रों के घर में विराजमान हूँ, यजमान जी अलग है, कथा इनकी है या इनकी, ये पता ही नहीं चल रहा है। ऐसी सेवा, मतलब जो सेवा इनको करनी चाहिए ये सेवा में लगे हैं, मतलब एक ही घर है, अंतर मैंने बिल्कुल नहीं देखा। इन लोगों ने जो किया, इनने तो पूछा ही नहीं, फलाहार की व्यवस्था ना कुछ ना कुछ, ये सारी व्यवस्था इनके सब विप्रों ने कर दी। और विप्रों से भी मैंने पूछा, बोले यहाँ कोई अंतर नहीं, सब एक जैसे, और ऐसा होना चाहिए। एक बार बोलिए राधे राधे। इसलिए मैं कहता हूँ कि चौराई में नारद नहीं है, अब कोई लुके छुपे हो तो नहीं बता सके भाई, कोई लुके छुपे रहेंगे, अब वो थोड़ी बहुत तो रह रहे हैं। तो पहला अर्थ तो नारद, जिसकी बात कोई रद्द ना कर सके, और दूसरा दूसरा अर्थ है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद किसको कहते हैं? बोले जो जिसके अंदर भगवान रूपी ज्ञान ना हो, जिसके ऊपर जिसके प्रति जिसको भगवान के प्रति ज्ञान ना हो, उसको जो है भगवान के प्रति आकर्षित कर दे, वही तो नारद है। और जिसके घर में लड़ाई ना होती हो, जिसके घर में लड़ाई करा दे वो नारद है। कभी जिसके घर में लड़ाई ना होती हो, उसके घर में जाकर के दोनों को विधवा दे और लड़ाई हो जाए, दोनों का झगड़ा हो जाए, पति का भोजन अलग और पत्नी का भोजन अलग, वही नारद है। एक बात और है, आप लोग टीवी में सीरियल देखते होंगे, सीरियल में जिस व्यक्ति को नारद जी एक बार मिल गए, उसका रिजर्वेशन टिकट कंफर्म है, भगवान से मुलाकात होकर के रहे हैं, ये विशेषता है। नारद जी जिसको एक बार मिल गए, उसको भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता, ये विशेषता है नारद जी। तो आज बड़े ही सुंदर ढंग से नारद जी महाराज जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, मन में बड़ा दुख है। क्या दुख है? मन में बड़ा कठोर दुख है, और ऐसा दुख है कि जो चेहरा जो है ना वो नीचे किए हुए। अच्छा, एक विशेषता और है, हमारे आपके अंदर अगर क्रोध हो ना और कोई बड़ी चिंता हो, हम देखते नहीं है, फिर विशेष ज्यादा गौर नहीं करते। हमारी देखिए, जो हमारे सबसे शरीर से जो विशेष बात है ना, ये चेहरा हमारी जो है घड़ी का प्रतीक है। इस चेहरे से आधी सी जो है आभा हम जान सकते हैं। अगर हमारे घर में आज झगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ तो हमारे चेहरे का जो मुख है ना वो तेज है, जो वो तेज थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि दुख हुआ है, झगड़ा हुआ है, और अच्छी बढ़िया जो है दोनों की बन रही है, दोनों प्रसन्न हैं, सुंदर भोजन पानी सुबह शाम चकाचक हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा होती नहीं, तो हमेशा प्रसन्नता नजर आएगी। ये जो चेहरा है ना, चेहरा जो है बहुत सारी चीजें बतला देता है व्यक्ति का। लेकिन उस दिन नारद जी महाराज जा रहे हैं, और नारद जी महाराज जाते जाते कहां पहुंचते हैं? बोले बद्री का आश्रम, वही बद्री का आश्रम है जहां हम गए थे। एक बार बोलिए राधे राधे। ये और विशेषता है, उत्तराखंड के जो चारों धाम है वो हमारे यजमान के साथ हम स्वयं करके आए हैं, ये सौभाग्य का विषय है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब साथ ही में गए थे हम लोग। वो पहले की बात है, लेकिन अब तो भगवान की लीला है जब जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये सौभाग्य बड़ी मुश्किल से हो पाता है, यात्रा करने का, कथा सुनने का, ये सौभाग्य सब बार बार नहीं मिलते। बड़े सुंदर ढंग से नारद जी महाराज अपने सिर का जो जो चेहरा है ना, चेहरा नीचे डुबाए हुए जा रहे हैं।
नीचे को सिर किए हुए जा रहे हैं और पहुंचे सीधे बद्रिका आश्रम के पास। और जैसे ही बद्रिका आश्रम में पहुंचे तो वहां पर चार ऋषि हैं, एक तो नहीं चार ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार ऋषि। और ये चारों ऋषि बताए देखने में 16 वर्ष उम्र, हजारों वर्ष की देखने में ऐसे लगते हैं ये 16 वर्ष है, और जो है इनकी उम्र है ही नहीं ज्यादा, और अगर उनका उम्र विशेष नापी जाए तो हजारों वर्ष। ऐसे तपस्वी चार ऋषि है, सनक, सनंदन, सनातन कुमार जी। और चार ऋषि जब विराजमान है वहीं से सामने से नारद जी गए, नारद जी को देखा, नारद जी को रोका, हे नारद जी महाराज रुकिए ना। कथम रमन दीन मुख कुत चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम् तव। महाराज कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आपका मुख उदासीन क्यों है? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्च चिंता, क्या चिंता है महाराज आपको? क्योंकि साधु संतों को तो किसी बात की चिंता की जरूरत ही नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साधु का ना इधर कोई ना उधर कोई, वो तो जहां रहे सो मौज ही मौज। सुबह मिल गया सो मौज, शाम को मिल गया सो मौज, और ना मिले सो मौज। साधु संत को किस बात की चिंता? वो महाराज हाँ मैं मानता हूँ आप ग्रस्त में होते, अगर आपकी शादी विवाह हुए होते, आपके लड़के बच्चे होते, तो आपको ये चिंता होती है घर बनाना है, मकान बनाना है, बच्चों की शादी करना है, बच्ची को पढ़ाना लिखाना है, ये सब चिंता होती, लेकिन आपका तो कुछ है ही नहीं, फिर आपको चिंता किस बात की? आपका जो मुख है ना, मुख मलिन है, और मलिन मुख से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा समझ में आता है कि आपको बहुत बड़ा कष्ट हुआ है। उस कष्ट का कारण क्या है? नारद जी महाराज मुझे ऐसा लगता है किसी गाय का आपने अपराध कर दिया, किसी गौ के बछड़े को आप लांग करके आए हो, या किसी वेश्या का समागम करके आए हो, वेश्या के साथ रह करके आए हो। ऐसा लगता है आपके चेहरे पर जो तेज है वो नष्ट हो चुका है, नष्ट तेज विभास में, क्या कारण है? आपका मुख मलिन क्यों है? नारद जी ने कहा महाराज हाथ जोड़ा, सनक, सनंदन, सनातन कुमार जी महाराज सामने खड़े हैं और बोले महाराज ये सब कुछ नहीं है, क्या है फिर? इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं बद कारण। महाराज आपने जो बोला है वो सब कुछ नहीं है, ना मैंने किसी गाय का अपराध किया है, ना मैंने किसी वेश्या के साथ समागम हुआ है, मैं तो जो है सुंदर चला आ रहा था, एक दिन की बात है मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि चलो चलकर की यात्रा करके आए, इस सारे संसार की यात्रा करने का मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और मैंने सोचा कि अहम तो पृथ्वी या तो सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रियागं च काशीं गोदावरीं तथा। महाराज एक दिन की बात है अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रियागं च, एक एक नहीं मेरी पृथ्वी की यात्रा करने की ये मन में भावना हुई, चलो इस संसार के जो लोग हैं ना, संसार के लोग बड़े प्रसन्न रहा करते होंगे, इन संसार के लोगों को देख करके तो आए कैसे हैं, सब कुशल हैं कि नहीं, सब प्रसन्न हैं कि नहीं, इसलिए मैं यात्रा करने के लिए गया, तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा श्रीरंगम सेतु बंधनम, बड़े बड़े तीर्थों में गया, लेकिन तीर्थों में जाता हूं महाराज तो, लेकिन मैंने जो व्यवस्थाएं देखी, जो जो क्रियाएं थी वो सारी क्रियाएं अस्त व्यस्त थी, अस्त व्यस्त व्यवस्थाओं को देख करके मैं घबरा गया। तीर्थों में गया तो बोले सिर्फ सिवा जो है पैसे के कुछ है ही नहीं, अगर किसी पंडा पुजारी ने किसी यजमान को पकड़ लिया तो महाराज वो जबरदस्ती चढ़वाता है, और उसमें भी कमीशन 500 चढ़ाइए, 500 मंदिर के और 250 मंदिर के और 250 पंडा जी के। नारद जी ने स्वयं देखा
और महाराज मैं जब इन तीर्थों में गया, बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के मैंने देखा तो मेरे मन को शांति नहीं हुई। मंदा सुमंदा मतयो मंदा भाग्या उपत्रिता पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। संतों को मैंने देखा कि पाखंड, संतों के आश्रम में गया, बाहर से बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है त्यागी जी महाराज का आश्रम, और त्यागी जी महाराज के आश्रम में इतना धन है, इतना दौलत है, इतनी जो है माया दूसरी जगह नहीं देखी। ये नारद जी महाराज किसको बता रहे हैं? बोले सनक सनंदन सनातन कुमार जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। पाखंड निरता संतो, जहां भी देखो संतों ने पाखंड फैला रखा है। अच्छा संत क्या कोई दाढ़ी वाला होता है, या लाल वस्त्र वाला होता है, या धोती कुर्ता वाला होता है? संत कहते किसको, बाबा कहते किसको है? विचार कीजिए, संत वही है। तितिक्षवः कारुणिका सौहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधुवा साधु भूषण। साधु के आभूषण है, अपने शत्रु में भी जो भगवान को देखे वो संत है, वो साधु है। एक कुत्ते में भी भगवान को देखे वो संत है, एक गधे में भी भगवान को देखे वो संत है। तुम्हारा मैंने देखा कि पाखंड निरता संत विरक्ता सा परिग्रह। संत जो है ना वो पाखंड फैलाने में लगे हुए हैं, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो इतना दान करो ये दान करो और वो दान करो, सिर्फ इसी में। नारद जी महाराज ने कहा, बोले मैं आगे चला, मैंने देखा कि त्यागी जी महाराज के आश्रम में इतना धन, ये तो सिर्फ नाम के त्यागी। थोड़ा सा और आगे चला, ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम देखा तो स्त्रियां भरी हैं। और आगे चला, जैसे देखते जाता हूं उन सभी आश्रमों में जो कुछ लिखा रहता है उसका सब उल्टा। और आगे चला तो मोनी बाबा के आश्रम में इतना शोर, ये सब उल्टा देखा मैंने। और जो विरक्त है ना, वो विरक्त लोग भी सुख शांति से नहीं रह रहे हैं, आपस में जाते हैं झगड़ते हैं लड़ते हैं एक दूसरे को लड़ाते हैं। विरक्ता सा परिग्रह। और जब इधर से निकले तो फिर देखा कि चलो चल करके इन ग्रस्तों के पास चला जाए, ग्रस्त लोग तो सुखी होंगे। ये ग्रस्त के जो लोग हैं वो तो सुखी होंगे, अपने परिवार में बच्चों के साथ प्रसन्न होंगे। इनके यहाँ पर चल करके देखना चाहिए, इनके यहाँ जाकर के क्या देखा मैंने? बोले तरुणी प्रभुतागे हो साल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयिणी लोभा दंपती नाम चकल। क्या है ये बड़ी विशेषता है, ग्रस्तों के पास जाकर के क्या देखा? बोले कन्या विक्रयिणी लोभा, ग्रस्तों के पास कन्याओं का विक्रय हो गया है, ये कन्याओं को जो बेचने लगे हैं। तरुणी प्रभुता गे है, माता पिता को जो है मानना बंद कर दिया। सुंदर नई बहू आई, और बहू आई तो बहू के लिए उतना जो है मानने लगे कि माता पिता को छोड़ दिया। अब तो जो बहू रारी ने कह दिया वो ही माने, ये सब नारद जी कह रहे हैं। बहू की बात पर चल करके अब तो जो है माता पिता को छोड़ दिया, बगल में माता पिता से पूछते भी नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, वस्त्रों की व्यवस्था नहीं, ये सारी क्रियाएं छोड़ दी। और सलाह भी लेना पड़ता है तो कहां से सलाह लेते हैं? बोले पता है श्याल को बुद्धिदायक, कहां पर अगर सलाह लेनी होती थी पहले हम किससे सलाह लिया करते थे? अपने माता पिता से, अपने वृद्ध बुजुर्गों से, अपने मानदानों से लिया करते थे, लेकिन आज उल्टा होने लगे। श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब को बुलाया जाएगा, आओ साले साहब बताओ, माता पिता की जरूरत नहीं, बताओ क्या करना है, ऐसा करें कि ना करें। अच्छा ये क्या मना करने वाले हैं तुम्हारे माता पिता? क्या तुमको अच्छा कार्य करने के लिए तुम जाओगे तो क्या मना कर देंगे?
कभी माता पिता अपने बच्चों को कभी भी बुरा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी पता नहीं ये कौन सा भूत चढ़ जाता है। हैं, ये भूत तो है ही, ये पता नहीं कौन सा भूत लग जाता है कि हम माता पिता को पूजते ही नहीं, छोड़ देते हैं। और ये हमारे नियम है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये रामजी से शिक्षा मिलती है, हम पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है, यही विशेषता है राम जी के उस चरित्र से। हमको यही शिक्षा मिलती है, प्रात काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नाम ही मां, यही तो मिलती है ना शिक्षा, फिर हम मानते क्यों नहीं है। और ऐसे कुछ लोग हैं जो मानते हैं, जो आज भी अपने माता पिता को आगे रखते हैं, आगे करते हैं, उनको सुनाते हैं, श्रवण कराते हैं, उनसे मानते हैं, उनके आदेश का पालन करके ही आगे बढ़ते हैं और उससे लाभ होता है। ये कहावत आती है, वो याद नहीं आ रही मुझे, जो ना माने वो आती है, ऐसा कुछ हमको सियानों की सीख है ना। तो ये पक्की बात है, वो कहावत इस जगह पर बिल्कुल 100% सही है। जो अपने माता पिता की, वृद्धों की, बुजुर्गों की, मानदानों का सम्मान नहीं करता, बात नहीं मानता, तो उसके लिए ऐसा ही होता है। इसलिए एक बार ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं पूछना है, तो आप इतना तो पूछ लो कि हम हाँ ये काम करने जा रहे हैं। आप ऐसा मत पूछो करें कि ना करें, आपको जब करना ही है तो कर लो, लेकिन इतना तो बता दो कि हम ये काम करने जा रहे हैं, आपको रोक ही नहीं सकते, आओ ठीक है चले जाओ, इतना तो कर सकते हैं। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयिणी लोभा दंपति नाम चलकन। महाराज आगे चले, आगे चलकर के मैंने क्या देखा कि बोले कन्याओं का विक्रय प्रारंभ हो गया, संबंध ऐसे बनने लगे, जहां पर पैसा है वहां पर संबंध है, नहीं तो कोई संबंध नहीं है। जहां पर लक्ष्मी, जहां पर धन, जहां पर बिल्डिंग खींची हुई है, वहां पर संबंध बनाते हैं लोग, जो है ऐसे रह गए हैं। और विचार कीजिए, धन से संबंध होगा तो फिर संधि ओरिजिनल नहीं होगा, धन ही संबंध होगा फिर। और जब दोनों के विचार भाव सम रहेंगे उसी को हम समधि कहते हैं। एक बार बोलिए राधे राधे। तो विचारों का सम होना जरूरी है, उस स्थान पर हम रिश्ता कर सकते हैं, उस स्थान पर हम नातेदारी जोड़ सकते हैं, जहां विचार सम नहीं, जहां पर धन की विशेषता है, उस स्थान पर अगर हमने कर दिया तो धन की विशेषता वो आगे चल करके समझ में आएगी, अभी आने वाली नहीं है। इस प्रकार से बतलाया। फिर इसके बाद नारद जी महाराज ने कहा, बोले महाराज फिर मैं और तो आगे चल करके क्या, अब तो बोले हमारे ही ऊपर आ गए क्या। ना योगी नहीं वसिद्धोवा ना ज्ञानी सत्क्रियो नरा कली दावा नाध्य साधनम भस्मता। ब्राह्मणों के यहां पर जाकर के देखा, ब्राह्मणों ने संध्या करना बंद कर दिया, गायत्री का जप करते थे वो गायत्री का जप बंद कर दिया, मस्तक में तिलक लगाने से शर्म लगती है ब्राह्मणों को, शिखा रखाने से शर्म लगती है। और ये शिखा विशेषता है, हमारे हिंदू धर्म की पहचान है, रखाना चाहिए, हमारा गर्व है। आप विचार कीजिए, मुस्लिम भाई जो लोग रहते हैं वो अपनी आधी दाढ़ी नहीं कटवाते, उसका क्या है, उनको अपने गर्व है उनके धर्म पर। आज हमको हमारे धर्म पर गर्व नहीं है क्या, विचार कीजिए, हमको गर्व होना चाहिए कि हमको धर्म हिंदू संस्कृति में भगवान ने जो है हमको भेजा, ये हमारे प्रति होना चाहिए, तिलक हमको लगाना चाहिए, हमारी पहचान है, हमारे वृद्ध बुजुर्गों ने हमको प्रदान की है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। आज धीरे धीरे हम सब छोड़ते जा रहे हैं, पहले अंग्रेजों ने शासन किया तो पेंट दे गए, अब पता नहीं कौन शासन करने वाला है, जो हमारी चुटैया है तिलक ये सब खत्म करने वाला है। और तो और मैंने बड़े बड़े व्यासों को देखा महाराज मूछ मूछ बना के बैठे हैं, ये हमारी शान थी, ये हमारी जो है एक विशेषता थी, लेकिन जो स्वयं उपदेश करने वाला स्वयं नियम नहीं पालन कर सकता,
वो क्या दूसरे को नियम बतलाएगा? गुण का जो पालन नहीं कर सकता गुरगुने से क्या परहेज करेगा? इसलिए नियम होना चाहिए, हमारे मस्तक पर, हमारे सिर पर शिखा होनी चाहिए। ये हमारे कुल को, हमारे इष्ट की और हमारी शक्ति को प्रदान करने वाली शिखा है। हमारे मस्तक में जो योग चंद्र होता है ना, एक कुंड होता है, अमृत कुंड होता है, उस अमृत कुंड को जो है प्रकाशित करता है, इससे हमारा बुद्धि, इससे हमारा दिमाग तेज चलता है। इसलिए रखना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, पूजन करना चाहिए। आप ज्यादा समय ना दीजिए ना, भगवान नहीं कहते एक घंटा का समय निकालो, भगवान नहीं कहते कि दो घंटे का समय निकालो। स्पष्ट कहा है भगवान ने रामायण में, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की हर ही कोटी अपराध। जब संसार के जितने भी अपराध हैं, जब भगवान का एक घड़ी में हम समाप्त कर सकते हैं, तो विचार कीजिए, दो चार मिनट अगर हम बैठ गए तो फिर तो हमारे अपने आप भगवान सुनेंगे। ब्राह्मणों के लिए सुसर, एक कवि ने कहा है, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन यहाँ की बात नहीं है, हो सकता है कहीं और की। यहाँ तो सब समझदार है, सब अपने वाले हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण धोती जनेऊ सिखा और चंदन भाल गले शरमाते, और वेद पुराण की कौन कहे कोई आपन नाम नहीं लिख पाते, और काम करे कछु उल्टे सीधे, और कुल पालत पोसत मांगत खाते, और लात अघात रमापति को अघात नहीं श्री श्राप के नाम। ये भगवान विष्णु लक्ष्मी पति का ही श्राप तो था, इसलिए तो अघात नहीं है। एक और विशेषता है, ब्राह्मण की जो आस है ना, फिर तो दक्षिणा लेते आओ, खूब लेते आओ, दक्षिणा की तो कभी मना ही नहीं करेंगे। फिर ऐसा कपड़ा, वैसा कपड़ा, जेब और वो, फिर तो देते जाओ, कोई मना करने वाला नहीं। लेकिन अपने कर्म पर भी तो चलो, नहीं तो ये विशेषता है ब्राह्मणों के प्रति। आज मैं अपने लिए स्वयं बोल रहा हूं, अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो वो निकलेगा। क्यों? हमारे अंदर भजन नहीं है ना। अगर भजन होगा तो हमको उसको पचाने की शक्ति होगी। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी फिर वैसी होगी वाणी। ये विशेषता है, इसलिए उसको पचाने की शक्ति रखिए। आप त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते ना, पहले नियम होता था तीन काल संध्या करना चाहिए, प्रातः काल सूर्य उदय के पहले, दूसरा काल दोपहर में मध्यान्ह का 12 बजे, और फिर ठीक तीसरा संध्या काल का जो समय होता था उस समय पर हम संध्या किया करते तीन काल। लेकिन तीन ना कर सकते हो, दो तो करो, और दो काल संध्या जिसने कर ली उसके धीरे धीरे जो पाप है ना वो नष्ट हो जाते हैं, और किसी भी प्रकार का धन है उसको हम पचाने के लिए फिर तैयार रहते हैं। एक बार बार ये राधे 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 राधे। नारद जी ने कहा, बोले महाराज मैं जहां जहां भी गया मैंने वहां पर ये सब देखा। ब्राह्मणों के पास ना तप है, ना योग है, ना विद्या है, ना तपस्या है। उदरम भारिणो जीवा बराह का कोटि भाषिणा, सिर्फ पेट भरने के लिए। उदरम भारिणो जीवा बराह का कोटि भाषिणा, कितना भी झूठ बोलते हैं पेट भरने के लिए। जहां भी जैसा भी जरूरत पड़े वहां झूठ, वहां ये सही है, चाहे कुछ का कुछ हो जाए। और इसका प्रभाव है, आज जो हमको मंत्रों की शक्ति है, महामृत्युंजय हम कराते हैं, सवा लख महामृत्युंजय हमने अनुष्ठान दे दिया, संकल्प दे दिया, अब महाराज मंत्र ही नहीं बनता है, वो क्या काला करेंगे, विचार कीजिए। इसीलिए तो उसका फल नहीं है, और जब फल नहीं मिलेगा तो यजमान को विश्वास कम हो जाएगा भगवान के प्रति, ब्राह्मण के प्रति नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण तो विश्वास पात्र है ना, भगवान के प्रति विश्वास कम हो जाएगा। भगवान का हमने महामृत्युंजय कराया था, लाभ नहीं मिला। अब ये तो आपको पता ही नहीं कि लाभ मिले कहां से, क्योंकि दान, इसीलिए कहा गया दान उसी को करो जहां पर सुलभ हो, उस स्थान पर करना चाहिए। एक बार बोलिए राधे राधे। सोने वाले ये समय हुआ है, सोने वाले सवेरा
सेवा है। सोने वाले सवेरा हुआ है, जाग सोने का मौका नहीं है, नहीं है, जाग सोने का मौका नहीं है, नहीं है, जाग सोने का मौका नहीं है। सोने वाले सवेरा हुआ है, सोने वाले सवेरा हुआ है, जाग सोने का मौका नहीं है, नहीं है, जाग सोने कर्म से करो हो भलाई, कर्म से होगी बुराई, बुराई वरना
भाई डेढ़ घंटा तो मिनिमम हो गए होंगे, दो घंटे तो आज भाई उपवास तो नहीं है कोई का। अगर किसी का व्रत हो तो हाथ उठाओ, नहीं है ना, शुक्रवार है हम जानते हैं किसी का नहीं होगा, तो एक बार बड़ी जोर से बोलिए राधे राधे। भाई जो लोग नहीं आए हैं उनको भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ आज से शुरू हो गई है, कल से जब मैं ठीक समय पर उपस्थित हूँ, ये विशेषता है। और जब हम कथा सुन लेंगे ना तो अच्छा भी लगेगा, और हम बोलते जाएंगे तो भगवान का वास हमारे हृदय में विराजमान होगा। नारद जी ने इस प्रकार से सभी जगह जाकर के देखा लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। अंत तो गत्वा नारद जी महाराज अट्टसूला जनपदा शिवसूला दुजातया कामिन्या केशसूरन्या संभवन्ती कलाविहा। सीधे नारद जी महाराज भ्रमण करते करते अब सीधे उस स्थान की ओर जाते हैं। बोले कहा, बोले यामुनु तटमा पन्नो यत्र नीला हरे रभु। कहा पहुंचे, यमुना जी के किनारे, और यमुना जी के किनारे कहा श्री धाम वृंदावन है। और वृंदावन में जब पहुंचे तो वहां पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो शांति मिलनी चाहिए, ये तो प्रेम की नगरी है, भक्ति जहां पर नृत्य करती है यहाँ तो शांति मिलनी चाहिए। मन को शांति खोजने के लिए गए थे नारद जी, मन को शांति नहीं मिल पा रही थी। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा समय और लेंगे क्योंकि रात्रिकालीन फिर कार्यक्रम है, इसलिए समय से थोड़ा सा आगे हम आज थोड़ा सा कार्यक्रम विलंबित भी हुआ इसलिए थोड़ा सा आगे ले चलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। एक बार बोलिए राधे राधे। आज नारद जी महाराज यमुना जी के किनारे पहुंचे और यमुना जी के किनारे जाकर के बैठे, जाकर के देखने लगे कि यहां पर मेरे मन को शांति, मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है। दूर नजर घुमा करके देखा कि बहुत सी स्त्रियां बैठी हुई हैं, और यमुना जी के किनारे देखा कि जब स्त्रियां बहुत सी बैठी हैं, बहुत सारी देवियां बैठी हैं, उन देवियों के पास में अकेले पुरुष को जाना अच्छा नहीं है, पुरुष को इस स्थान पर जाना चाहिए जहां पर दो चार पुरुष बैठे हो। अब उस सभा में स्त्रियां बैठी हैं, उन स्त्रियों के बीच में कैसे जाएं। नारद जी वहां से वापस आने लगे, और जैसे नारद जी महाराज वापस आने लगे उन स्त्रियों में से एक सुंदर देवी उठकर के आई, नव युवती उठकर के आई और कहने लगी हाथ जोड़ करके नारद जी महाराज कि भो साधु जनम दुष्टो मन चिंता विनाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज भोगो साधु एक क्षण के लिए रुकिए ना, मन चिंता विनाशया मेरी मन की चिंता को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि संतों का दर्शन इसीलिए होता है, संतों का दर्शन होने से संसार की जो चिंताएं हैं, संसार के जो क्लेश हैं, वो दूर हो जाते हैं। इसलिए आप हमारी चिंता को, आप हमारे कष्ट को दूर कराते जाइए ना। नारद जी ने कहा क्या बात है देवी, कौन सा कष्ट है बताओ, लेकिन उसके पहले से एक बात बताओ, काशी तुम का विमोची मां नारिया बददेवी सविस्तारम स्वास्थ्य दुखस्य कारण। महाराज देवी काशी तुम कौन हो तुम, और ये इतनी स्त्रियां बैठी हैं, ये क्या कर रही हैं, का विमौ चीमा नारियाह का पद्म लोचन बददेवी सविस्तारम स्वास्थ्य दुखस्य कारण, क्या सुख है क्या दुख है बताओ, अगर मेरे पास दवाई होगी तो तुम्हारे उस कष्ट को मैं दूर करूंगा,
नारद जी ने सुना, सुनकर के बताया, मेरे पास अगर तुम्हारे कष्ट की कोई कोई उपाय होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। कहा महाराज, आपने पूछा बददेवी सविस्तार स्वास्थ्य दुख शिकार, ये देवियां जो बैठी हैं ये कोई देवियां ऐसी वैसी नहीं है। गंगाधा सरितश्चीमा मत सेवार्थम समागता तथापि न च मे श्रेया सेविताया सुरैरपि। ये देवियां जो है, गंगा है, नर्मदा है और समुद्र है, ये सब बड़ी बड़ी देवियां हैं, ये नदियां आकर के विराजमान है। क्यों विराजमान है? बोले महाराज, वो दो पुरुष लेटे हुए हैं ना, ये दो पुरुष कौन है? बोले ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य के नाम के जो ये दो पुरुष लेटे हुए हैं, इनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, क्यों? बोले ये ज्ञान और वैराग्य के नाम के जो दो पुरुष हैं, अगर ये संसार में उठेंगे नहीं तो संसार में महाराज अकाल जल्दी पड़ जाएगा। इस संसार में जो है सब जितनी भी क्रियाएं हैं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। क्यों? क्यों? संसार में जब मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होगा, और जब ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होने वाला, और जब ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति को कोई पूछने वाला नहीं है, भक्ति आने वाली नहीं है। इसलिए महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी ने सुना, देवी तुम्हारे पुत्र? मैंने ऐसा तो सुना था, लेकिन आज देख भी रहा हूं, माता तो वृद्ध है और पुत्र जो है जवान। पुत्र जो है वृद्ध है और माता जो है जवान दिख रही है, ऐसा मैंने उल्टा आज तक नहीं देखा, आज मैं पहली बार देख रहा हूं, ये कैसे हुआ? देवी तुम्हारी इस कष्ट की उत्पत्ति बताओ, कहां से हुई, कैसे हुई? बतलाने लगी माता, भक्ति पुत्र बतलाती है, कहने लगी महाराज, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृत्तिम कर्णाटके गता कश्चित कश्चिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। महाराज मेरा जो जन्म है ना, वो जन्म उत्पन्ना द्रवणे साहम, द्रविण द्रविण देश में हमारा जन्म है, और वहां पर हम और ज्ञान भक्ति और ज्ञान वैराग्य उठ करके चले चले चल करके भ्रमण करते हुए आ रहे थे। रास्ते में जैसे ही दूसरे प्रदेश में हमने प्रवेश किया, उसी प्रदेश को प्रवेश करते हुए महाराज हमारे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। लेकिन मैं तो नवयुवती बनी रही, मैं तो आज भी नवयुवती हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, मैं जैसी की तैसी हूं, लेकिन मेरे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। इसलिए महाराज इनको उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं, कभी मंत्र सुनाते हैं, कभी श्लोक सुनाते हैं, कभी भजन सुनाते हैं, आप उठ जाओ, इन दोनों पुत्र को उठा रहे हैं। नारद जी ने कहा, बोले देवी ऐसी दवाई तो मेरे झोला में नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को उठा सकूं। इन पुत्रों के लिए तो इन पुत्रों के लिए तो बड़े सुंदर ढंग से मैं दवाई खोजने के लिए जा रहा हूं। और नारद जी महाराज जैसे ही जाने लगे, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, सत्कर्मा सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। आकाशवाणी हुई, नारद जी ज्ञान और वैराग्य को आप उठाना चाहते हो तो सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, धन्य है आकाशवाणी, अब सत्कर्म का मतलब क्या है? ये सत्कर्म कौन सा है? सत्कर्म किसी एक व्यक्ति अगर अनुष्ठान का होता तो अनुष्ठान कर लेते, अब सत्कर्म करना तो कई प्रकार से होता है। सत्कर्म का नियम नहीं बताया, सत्कर्म कौन से सत्कर्म की बात करके गई। नारद जी जैसे जाने लगे, जाते जाते विचार बनाया, गीता सुना दूं, वेद वेदांत घोषयिष्य गीता पाठैर मुहुर्मुहु, एक बार नहीं, वेदों को सुनाया, वेदांतों को सुनाया, गीता पाठ को सुनाया, लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए उठते ज्ञान वैराग्य और फिर लेट जाते,
अब नारद जी ने कहा, बोले मेरे बस की बात नहीं, अब यहाँ से चलना चाहिए। और नारद जी महाराज भक्ति माता को समझा करके, और जैसे ही जाने लगे, भक्ति माता हाथ जोड़ करके कहती, बोले प्रभु अगर आपने इस कष्ट की निवृत्ति नहीं की तो संसार में ज्ञान और वैराग्य और भक्ति ये सब नष्ट हो जाए। संसार में भक्ति को ज्ञान वैराग्य कोई पूछने वाला नहीं, क्या किया जाए? कुछ तो उपाय करो, कुछ तो उपाय बतला करके जाओ। बोले आप चिंता मत करो, आप जो है मैं उपाय बतलाता हूँ। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए, उनके ध्यान का स्मरण करें, मन लगा करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगा करके, और आप जयति जगति माया यश काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चातलयो ध्रुव पदम पियातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नताश्मि। आप जाकर के भगवान का ध्यान करो, मैं जाकर के वह चूरन चटनी लेकर के आता हूँ तुम्हारे पुत्रों को उठा। आज वही समस्या बतलाते हैं सनक सरंदर सनातन कुमार जी महाराज, उसी का उपाय बतलाते हैं। आज बद्रिका आश्रम में बैठे बैठे सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी तुम इतनी सी चिंता को लेकर के तुम्हारा मुख इतना उदास हो गया, उसके लिए एक ही उपाय है, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत रूपी कथा, उसका श्रवण पान करो। उसके श्रवण पान करने से तुम्हारे संसार के जितने भी कष्ट है वो दूर हो जाएंगे, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। सनातन कुमार जी महाराज ने उपाय बतलाया। नारद जी ने कहा, बोले महाराज देरी क्यों करते हैं, आप प्रारंभ कीजिए, हम कथा सुनने के लिए तैयार हैं। और सीधे गंगा जी के किनारे आनंद नाम के तट में जाकर के बड़े सुंदर ढंग से और कथा प्रारंभ होती है। नारद जी महाराज स्वयं यजमान बन जाते हैं, सनक सनंदन सनातन कुमार जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। प्रथम दिन कथा प्रारंभ हुई और भक्ति मैया आकर के विराजमान हो जाती है। भक्ति मैया ने कहा, बोले प्रभु आपने उपाय तो सुंदर किया, लेकिन मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र अचेत पड़े हुए हैं, इसलिए आप कोई उपाय अच्छा सा कीजिए, उनको बुलाइए। नारद जी महाराज ने प्रश्न कर दिया श्री सनक सनंदन सनातन कुमार जी महाराज से, प्रभु ज्ञान वैराग्य की कष्ट की निवृत्ति के लिए कुछ उपाय कीजिए, कुछ बुलाइए। तुरंत इधर से जो है जैसे ही आवाहन किया सनक सनंदन सनातन कुमार जी महाराज ने, तुरंत ज्ञान और वैराग्य उपस्थित हो जाते हैं और सुंदर ढंग से नृत्य गान प्रारंभ होने लगता है। और पहला रसदान धारी तरलगट तया चौधवा कांस धारी वीणा धारी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तिनी कुमार। आ जाते हैं कौन, प्रहलाद जी महाराज इंद्रोवादी मृदंगम, इंद्र जी महाराज मृदंग बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी कथा हुई, गंगा जी के किनारे बड़े सुंदर ढंग से नृत्य होने लगा और नृत्य होते होते गान होने लगा, भजन चलने लगा बड़े सुंदर ढंग से, और ऐसे सुंदर ढंग से नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, जिंदगी का भरोसा नहीं है, नहीं है जिंदगी का भरोसा नहीं है, नहीं है पाप धोने का मौका नहीं है, नहीं है पाप धोने का मौका नहीं है, हे नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, भरोसा नहीं है, नहीं है जिंदगी का भरोसा
जिंदगी का भरोसा नहीं है, नहीं।
जय। प्रहलाद इत्यादि जितने भी संगीताचार्य थे ना, ये सब उपस्थित हो गए। नारद जी महाराज ने प्रश्न कर लिया, बोले महाराज थोड़ा सा प्रसंग हो, प्रश्न कर लिया महाराज, ये कथा क्या सिर्फ ऐसे ही लोग श्रवण कर सकते, इसको श्रवण करने से कुछ प्रमाण है, कितने प्रकार से लाभ हो सकता है? भाई कुछ लाभ भी तो होना चाहिए, क्योंकि ये कलयुगी संसार के लोग हैं ना, बिना लाभ के ये जो है सुनने वाले नहीं है, इससे लाभ क्या होगा? लाभ तो बताइए, कथा सुनने से क्या लाभ है? बोले ए मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। एक दो प्रकार के नहीं, पांच पांच प्रकार के महापाप बतलाए हैं। उन पांचों प्रकार के महापाप करने वाला व्यक्ति भी धोखे से अगर कथा को सुन लेता है और बोले ठीक है, जीवित जागृत ना सुन पाए, मरने के पश्चात भी उसके नाम से अगर ये कथा सुना दी जाए तो उसको जो है भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाएगी। ऐसी कथा है? अच्छा महाराज, ऐसा कोई प्रसंग है, कोई प्रमाण है? बोले है प्रमाण। एक कथा आती है कि आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोत स्मरते सुनिष्णातो द्वितीय भास्कर। एक ब्राह्मण था जिसने जन्म से लेकर से मरते मरते पर्यंत तक पाप ही पाप कर्म किया, जन्म से लेकर के कभी भी उसने अशुभ कार्य नहीं किया, जिस किसी के भी साथ में किया सबके साथ में बुराई बुराई कार्य किए, अच्छे कार्य नहीं किए, और अंत के समय पर जब वो मर गया तो उसको बहुत बड़ी प्रेत की योनि प्राप्त हुई, लेकिन उसके नाम से भी भगवान की कथा भागवत कथा श्रवण कराई गई, उसको भी जो है मुक्ति की प्राप्ति हुई। वो कौन है? आप सभी लोगों ने कथा सुन रखी, धुंधकारी की कथा। धुंधकारी था ना, जन्म से लेकर के मरियम मरने पर्यंत तक उसने पाप ही पाप कर्म किए, ऐसा कोई कर्म नहीं बचा। पंचोक्ष पापा छल छत्यकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयश्चमे। ये पांच प्रकार के महापाप हैं, ये पांचों प्रकार के महापाप इस धुंधकारी ने किए थे, लेकिन मरने के पश्चात भी इनके भाई गोकर्ण ने और इनके नाम से कथा श्रवण पान कराई थी, वो भी अंत में जाकर के प्रेत की योनि से मुक्त होकर के भगवान की शरणागति को प्राप्त हुए। सूत जी महाराज इधर सोनका दिरी से उसे कहते महाराज विस्तार से सुनाइए। अब विस्तार से सुनाएंगे तो आप लोग कहेंगे महाराज बहुत बैठा रहे हैं, आज छोड़ दें क्या, चलने दें। अच्छा तो एक प्रसंग और होगा, सबकी इच्छा है, एक बार बोलिए राधे राधे, एक प्रसंग और हो जाए फिर छुट्टी, मतलब फिर आरती करेंगे। एक बार बोलिए मां के बिहारी लाल की जय। आत्मदेव पुरे तस्मिन, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, एक सुंदर ग्राम था उस ग्राम में, और एक दो वेद नहीं चारों वेदों की ज्ञाता थे, चारों वेदों की ज्ञाता, वेदों के जानने वाले, और वेदों के जानने वाले जो ब्राह्मण थे ना, वो ब्राह्मण उनके यहां पर सारी संपत्ति धन अचल इत्यादि सब प्रसन्न रहा करते थे। लेकिन मैंने कहा यथा नामो तथा गुणा, ब्राह्मण तो बड़े सुंदर थे लेकिन इनके घर में जो देवी थी ना, देवी जी कुछ अच्छी नहीं थी, कुछ क्या वो तो ज्यादा ही अच्छी नहीं थी। अब वो ज्यादा अच्छी इसलिए नहीं थी कि धुंधकाली है, धुंधली उनका नाम था। मैंने बताया था कि नाम का असर होता है, जैसा नाम वैसा काम, और फिर वैसे ही विस्तार होगा। ब्राह्मण देवता की पत्नी का नाम था धुंधली, अब नाम का प्रभाव था, बुद्धि विवेक कुछ लगाती नहीं थी, जो आए सो कर देना, और इनकी योग्य विशेषता थी,
एक विशेषता थी और ये माताओं की बड़ी लीला है। अगर इनको किसी बगलवारी से अगर लड़ना है ना तो सवेरे सवेरे जल्दी उठ जाए, फिर पता ही नहीं चल पाए और जल्दी झाड़ू लगाए, पूरे घर को कचरा इकट्ठा करो, दूसरे के दौरे में जा, दूसरे के दौरे में पूरा कचरा। अब लड़ने तो आ है और जब नहीं लड़ने तो फिर अपने आप जो है सब अपने अपने दरवाजे के साफ कर लेंगे। ये विशेषता है, धुंधली ने ऐसे ही करती थी, अपने बगल वाली से कभी बनता ही नहीं थी। बगल वाली क्या, जितना भी घर की साफ सफाई की जितना भी कूड़ा कचरा होता था वो बगल वाली के घर में सब छोड़ा है। अब प्रातः काल हो, फिर इन दोनों की बच्चे खेचा तानी, तूने क्यों फेंका, तूने क्यों डाला, बोले मैंने नहीं डाला, किसने डाला, बोले पड़ोस वाली डाल गई, हम नहीं डाल गए। ऐसा मतलब चरिया थी, दिनचर्या थी, ये नाम का प्रभाव था, सब बढ़िया था ब्राह्मण के घर में। लेकिन धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथा पिता ना पुत्रो ना पिबा पुत्री ततश्चिंता भृशम। सिर्फ एक चिंता थी, इनके घर में दोनों पत्नी पति पत्नी थे, ब्राह्मण कैसे थे, बोले द्वितीय भास्करा दूसरे सूर्य के समान, दूसरों का भला करने वाला ब्राह्मण, वेदों को जानने वाला, यज्ञ यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्मकांड के मंत्रों को जानने वाला, जो यजमान का स्वयं भला करे ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के यहां पर संतान नहीं है। और संतान में ना कन्या है ना पुत्र है, विचार कीजिए, वो ब्राह्मण जब भी घर में आता है तो मन में बड़ा दुखी होता है, मन में बड़ा रोता है, बताओ मैं अपने यजमानों का भला करता हूं, मेरे घर में स्वयं कन्या नहीं है, पुत्र नहीं है, मैं क्या करूं, किस देवता को प्रसन्न करूं, कौन सा अनुष्ठान करूं। धिग्जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा विना धिग्घनम चानपत्यस्य धिग्कुलम संततिर विना। मुझे धिक्कार है, ये शास्त्र कहते हैं धिक्कार है मुझे, मैं ऐसे परिवार में मैंने विवाह किया, विवाह के पश्चात मुझे संतान नहीं, मुझे तो अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए, प्राणों को त्याग देना चाहिए, मेरे यहाँ पर ना कन्या है ना पुत्र है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, वो राजा राजा नहीं है, जिसकी प्रजा उसकी आज्ञा का पालन ना करे, वो ग्रस्त ग्रस्त नहीं है, जिसके ग्रस्त में ना कन्या हो ना पुत्र हो, मुझे तो अभी अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए। और एक और व्यवस्था है, ब्राह्मण देवता अपने घर में कोई यजमान गाय दान करते हैं ना, वो गाय लेकर के आते हैं घर में ब्राह्मण देवता, लेकिन गाय की जो है विंध्या रहती है, गाय के उधर से बछड़ा जन्म नहीं लेकर के आता है। पाल्यते यावया धेनु सावंध्या सर्वथा भवे यो मया रोपितो वृक्षा सोपि वंध्या तुमाश्रे। मैं गाय अपने बछड़े को जन्म देने वाली होती है, उस गाय को लेकर के आता हूं, लेकिन मेरे घर में गाय आती तो बछड़ा को जन्म नहीं देती है, गाय बांध रह जाती है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुलसी का वृक्ष लगाता हूं, तुलसी का वृक्ष सूख करके राख बन जाता है, लकड़ी बन जाता है, फलदार वृक्ष में लगाता हूं तो फलदार वृक्ष भी सूख जाता है मेरे घर में। ऐसा कौन सा अपराध मैंने किया है या मेरे परिवार के द्वारा कौन सा अपराध हुआ है जो मुझसे मेरे घर में प्रभु की इतनी बड़ी क्रोधाग्नि से मेरा घर परिवार जल रहा है, मुझे तो प्राणों का दान कर देना चाहिए। और ऐसे ही क्रोध में उठे और उठ करके घर से बाहर निकल करके जंगल के ऊपर प्रस्थान कर जाता है, बन की ओर प्रस्थान कर गए और बन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। एक सरोवर आया, सरोवर में जल भरा हुआ था, उस जल में से कुछ आचमन करना चाह रहे थे, अपनी प्यास को बुझाना चाह रहे थे, लेकिन उस सरोवर के जल में भी कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े लग गए, विचार करने लगे, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मुझे तो यहीं पर मर जाना चाहिए, ना मुझे कोई देख रहा है, ना कोई मुझे बोलने वाला है, मुझे तो अपने प्राणों का दान यहीं पर कर देना चाहिए। उसी समय पर एक संत भेष में ब्राह्मण आ जाता, एक ब्राह्मण संत भेष में चले आ रहे थे और दूर से देखा कि एक ब्राह्मण तपस्वी सामने से आ रहा है, और सामने से ब्राह्मण को देखा, चरणों में प्रणाम किया, हे संत भगवान, हे ब्राह्मण जी, आपका दर्शन सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है,
मैं यहां पर प्राणों का त्याग करने वाला हूं। ब्राह्मण ने कहा, संत ने कहा, बोले हे ब्राह्मण देवता, मुझे मस्तिष्क से तुम्हारी रेखाएं दिख रही कि तुम ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मण को इतना दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? क्यों दुखी हो रहे हो? उस ब्राह्मण ने कहा, बोले महाराज, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं जीऊं तो किसके उद्देश्य से जीऊं? क्योंकि गृहस्थ का जीवन होता है अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, पढ़ाना लिखाना, फिर उनको भविष्य में आगे अच्छी शिक्षा देना। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई लक्ष्य है ही नहीं, न मेरे घर में पुत्र है न पुत्री है, मैं किसके लिए जीऊं? मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का क्या फायदा मुझे? उस धन से मुझे क्या लाभ? उस धन को कोई खर्च करने वाला ना हो। मैं अपने प्राणों को त्याग करने के लिए आया हूँ। और हे महर्षि, हे ऋषि भगवान, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, अब मैं आपके चरणों में अपने प्राणों को त्याग करता हूँ। संत ने कहा, बोले बताओ, मैं इतना अच्छा सीधे साधे जा रहा था, इस ब्राह्मण से कहाँ पाला पड़ गया? अब ये ब्राह्मण हमारे चरणों के सामने मरेगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। ब्राह्मण से कहा, संत ने बोले, हे ब्राह्मण देवता, ऐसा नहीं करते हैं। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वाशिनम। हे ब्राह्मण देवता, आप विद्वान हैं, समझदार हैं, और ब्राह्मण वैसे भी समझदार विद्वान होते हैं। आपको ये समझना चाहिए, ये प्रारब्ध है, आपके प्रारब्ध में संतान योग नहीं है, इसलिए आप उस संतान योग को त्याग दीजिए। आप तो भाग्य के अनुसार चलिए ना, आपके भाग्य में विधाता ने संतान योग नहीं लिखा है। आप भजन कीजिए, और इससे बढ़िया सुंदर कोई दूसरा साधन हो ही नहीं सकता व्यक्ति का। आप तो भजन कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, बोले महाराज, भजन नहीं होगा, ये मन है ना, हम एक और विशेषता है, ऐसे लोगों की अड़ोस पड़ोस के जो लोग रहते हैं ना, वो और अच्छे से मजा उड़ाते हैं, सामने तो नहीं बोलते, पीठ पीछे। अगर सुबह से मैं निकल जाऊं ना, ये ब्राह्मण बतलाते हैं संत से, अगर सुबह से मैं निकल गया ना, तो सामने वाले लोग कहते हैं, ये निकल गया, इसका हमने सवेरे सवेरे मुंह देख लिया, ये निसंतान का पुत्री, इसके असंतान नहीं, इसका मुख हमने देख लिया, इसलिए हमारा दिन आज अच्छा होने वाला नहीं। संत ने कहा, बोले ऐसी कोई बात नहीं है ब्राह्मण देवता, ये कहने वाले तो कहते रहते हैं, इन संसार के लोगों पर बिल्कुल मत जाओ, अगर इस संसार के लोगों पर आप रहोगे तो आप जी भी नहीं सकते, भोजन भी नहीं कर सकते, पानी भी नहीं पी सकते, इसलिए संसार के लोगों को छोड़ो। आपको मैं बताऊं, आप संतान चाहते हो, संतान से कभी किसी को सुख हुआ है? जिस सुख को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। कभी कभी पुत्र भी कुपुत्र हो जाता है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे कहता हूं, संतान की हट को त्याग दीजिए। आप त्याग दीजिए संतान की, पुत्र की, कन्या की लालसा को त्याग दीजिए, क्योंकि एक नहीं, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, एक नहीं 60,000 पुत्रों के पश्चात भी राजा सगर को एक ही पुत्र की सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। 60,000 पुत्र एक बार में ही समाप्त हो गए। और दूसरा प्रमाण देता हूं ब्राह्मण देवता, सुनो, राजा चित्रकेतु के 99 विवाह हुए, एक दो नहीं, 99 शादी भई थी राजा चित्रकेतु की, 99 विवाह में एक भी जब संतान नहीं हुई, राजा चित्रकेतु के यहां तो 100 विवाह कर लिया, 100 विवाह किए राजा चित्रकेतु ने, और 100 विवाह करने के पश्चात जब 100वीं पत्नी के यहां पर एक पुत्र जन्म लेकर के आया, तो 99 रानियों ने युक्ति बनाई। क्या युक्ति बनाई? 99 रानियों ने सोचा, ये 100वीं पत्नी को ज्यादा प्रेम करेगा राजा, क्योंकि इसके यहां पर 100वीं पत्नी के यहां पर कन्या संतान का जन्म हुआ है, हमको प्रेम करना छोड़ देगा, इसलिए 99 रानियों ने जहर मिलाकर के युक्ति बनाई। जहर बनाया और जहर मिलाकर के चुपचाप से उस छोटे से बालक को लेकर के आई, और आकर के 99 जो 100वीं पत्नी थी उसके बच्चे को जो है जहर मिलाकर के मार दिया। राजन, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप पुत्र की हट को मान जाइए, ना सुखम किंचिदस्यापि, इस संसार में आपको सुख कहीं पर मिलने वाला नहीं है। आप सोचते हो पुत्र से सुख मिलेगा, पुत्री से सुख मिलेगा, भाई से सुख मिलेगा, पिता से सुख मिलेगा, किसी से सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये दुख की दुकान है संसार, ये दुख की दुकान में सुख कहीं पर मिलने वाला नहीं है, ये तो सिर्फ जो नाते रिश्ते हैं ना पिताश्री, महाराज जी, ब्राह्मण देवता, ये जो संसार के जो रिश्ते हैं ना, ये सिर्फ जो है एक स्वार्थ के हैं,
इसलिए इस संसार के रिश्तों को त्याग दीजिए, आप भगवान का भजन कीजिए और सन्यासस्तो गृहस्थ त्यागो, आप ग्रस्त को त्याग दीजिए, सन्यास में प्रवेश कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो अब आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि अगर आप मुझे संतान नहीं देंगे तो मैं अपने चरणों को त्याग दूंगा। संत ने कहा, ठीक है, अब मैं आपकी मस्तिष्क रेखा को देखना चाहता हूँ। और मस्तिष्क रेखा को देख करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कहते हो पुत्र की बात, संतान की बात, मैं आपसे कहता हूं, सप्त जन्म वधि पुत्र एक जन्म नहीं ब्राह्मण देवता, सात जन्म तक तुम्हारे यहां पर संतान नहीं है, तुम तो इस जन्म की बात करते हो। ब्राह्मण देवता अब तो और जोर से रोने लगा, हे ब्राह्मण देवता, हे भगवान, हे साधु सन्यासी महाराज, मैंने तो इस जन्म की बात की थी, आपने तो सात जन्म की और चिंता लगा दी, इसलिए अब तो मैं अभी प्राण को त्याग दूंगा, इसलिए आप मुझे पुत्र दीजिए। बड़ी अनुनय विनय किया, विनय करने के पश्चात भगवान संत जी ने सुंदर तपस्या के माध्यम से एक फल निकाला और फल निकाल करके कहा, बोले हे ब्राह्मण देवता, तुम जाओ अपनी धर्म पत्नी ब्राह्मणी देवी को यह फल जाकर के दे देना, लेकिन नियम है, ऐसा नहीं खाली फल खा लिया, ये फल जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, ब्राह्मणी को कह देना, सत्यम शौचम दया दानम एक वक्तम तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रो ति निर्मलः। और तुम्हारी पत्नी जो धुंधली है ना, वो नियम से रहे, तो उसके यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर एक सुंदर निर्मल और भगवान का भक्त पुत्र प्राप्त होगा। आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं, समय बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी आगे की कथा हम कल श्रवण पान करेंगे, भगवान का एक सुंदर भैया ठाकुर साहब हमारे सुंदर भजन श्रवण पान कराएंगे, उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेकर के आप सभी लोग उपस्थित होंगे, और कल ठीक 1 बजे से 5 बजे तक आप सभी को विदित है, आप सभी लोग अपने ग्रह के कार्यों से निवृत्त होकर के आए, और सभी माताएं बहनें अभी 6-7 दिन सब अपने अपने कार्यों से थोड़ा सा छुट्टी ले लें, कार्य तो रोज करना है, वो तो हम करते रहेंगे, लेकिन भगवान की कथा रोज मिलने वाली नहीं है, इसलिए हम आप सभी लोग अपने अपने कार्यों को करें, ऐसा नहीं कि बंद ही कर दें, बंद नहीं करना है, करना सबको है, और भाई बंधु सभी लोग, ग्राम के सभी लोग, जो भी जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग ठीक 1 बजे से उपस्थित होंगे, भगवान की कथा जितना होगा हम आपको श्रवण पान कराएंगे, और बड़े सुंदर ढंग से भजन का श्रवण पान करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, थोड़ा और जोरदार जयकारा लगाएं सभी लोग, दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने वो मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। प्रेम की डोर मोहन से
जग से नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी दोनों हाथ उठा के, ये कैसी ये कैसी ये कैसी पागल थी दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल थी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम सब प्री की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्री की दुनिया लोग सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती होने वाली है, सभी लोग अपने अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब दोनों हाथ, हाँ ऐसे ही हाथ उठाए रहना है, ऐसे ही हाँ दोनों हाथ उठा के और बढ़िया तालियों की सेवा करते हुए 1 2 3 स्टार्ट। नृत्य कर रहे हैं हम, कम से कम जिनसे न बने तो तालियों की सेवा करके, दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा के साथ, और जिनसे बने बढ़िया झूमते हुए 6-7 दिन बढ़िया मस्ती से भगवान की भक्ति करेंगे हम सब लोग, दोनों हाथ उठा के। हो मैंने छोड़ी, हो मैंने छोड़ी, हो मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया का जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया का जाने, क्या जाने कोई खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई
लोग हैं वो तो बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ना ताली बजा रहे हैं ना कुछ। थोड़ा दोनों हाथ उठाएं पीछे तक, दोनों हाथ उठाएं, और जो हाथ ना उठाए उसको उसके बाजू वाले की कसम है। सब लोग दोनों हाथ उठा के, सभी लोग दोनों हाथ उठाएं और बढ़िया तालियों की सेवा करते हुए, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, अरे गोप गोपियां भागी आई, गोप गोपियां भागी आई, और लोग लाज कछु काम न आई, लोग लाज कछु काम न आई, ये बाज और ये बाज, ये बाज उठा संगीत दुनिया का जाने, ये बाज उठा संगीत दुनिया का जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, 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 मेरी लगी ओ मेरी लगी, ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत किनारे में खड़े हैं, कृपया थोड़ा बीच में आए, आपसे निवेदन है, बहुत अच्छा तालियों की सेवा के साथ नृत्य कर रहे हैं, आज दुख है आज हो गया है, अच्छा कल से जो है अच्छा थोड़ा सा, चलिए तो दोनों हाथ लगा के तालियों की सेवा के साथ, ओ मेरी लगी शाम संग प्री ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्री ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्री ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्री ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्री ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। देखिए आज जो है प्रैक्टिस शुरू हो गई है, चार दिन तक पूरा आ जाना चाहिए, कहा कैसा लगना चाहिए, भजन सब लोग सुनते रहते हैं तो चार दिन तक इतना तो आना ही चाहिए। अभी आरती हो जाए तो उधर समय हो रहा है, एक और ठीक है, एक और बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, थोड़ा जयकारा और जोर से लगाएं, बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय हो। देखो एक तो और हो रहा है लेकिन सदस्य कुछ तो बढ़ने चाहिए, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा सदस्य बढ़ जाएं, गुरुदेव का कहना सही है, एक बार सभी लोग आगे आकर अरी राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, अरे मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, 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 राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। अच्छा श्यामा प्यारी किस किस की है, हम सबकी है ना, राधे रानी सबकी, हाँ तो सब लोग दोनों हाथ उठाए और बढ़िया झूमते हुए, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को,